मुंबई बैठक से ठीक पहले संसद के विशेष सत्र के ऐलान ने विपक्षी गठबंधन को मुश्किल में डाल दिया है। विपक्षी दलों को इस बात की उम्मीद तक नहीं थी कि मोदी सरकार ऐसा कोई कदम उठा सकती है। इसी वजह से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जैसे ही 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया, विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। सरकार ने संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर को बुलाया। लोकसभा में नेता कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मन मर्जी से ये लोग संसद चला रहे हैं, ऐसी क्या इमरजेंसी है, क्योंकि शीतकालीन सत्र तो होना है। उन्होंने कहा कि पता नहीं सरकार की क्या मंशा है, हो सकता है कि पीएम मोदी की कोई नई सोच होगी, पुरानी इमारत से नई इमारत में जाना, पूजा पाठ करना वगैरह वगैरह, कोई धमाकेदार कुछ करना, अपना अलग अलग सोच हो सकता है, लेकिन अजीब लगता है। रंजन चौधरी ने कहा कि चुनाव के चलते ये सरकार नया नया कुछ तरीका अपनाएगी, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगी, तनाव पैदा करने की कोशिश होगी, आम लोगों की तकलीफ का मुद्दा हटाने के लिए ये हर संभव कोशिश ये लोग करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का हाल खस्ता होने वाला है। राहुल गांधी ने अडानी मामले का जिक्र करते हुए कहा कि ये घबराहट में किया गया है, इस तरह के पैनिक में मेरी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। ये मामले पीएम मोदी के बहुत ही नजदीक हैं। जब भी अडानी के मामले पर बात करते हैं, पीएम मोदी घबरा जाते हैं और नर्वस होने लगते हैं। दरअसल साल के आखिर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा का चुनाव तय है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि सरकार ने अडानी पर नए खुलासे से ध्यान भटकाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है, लेकिन हम जेपीसी की मांग पर कायम रहेंगे। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि संसद का स्पेशल सेशन 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है, इसमें 5 बैठकें होनी है। अमृतकाल के बीच आयोजित होने वाले इस विशेष सत्र के दौरान संसद में सार्थक चर्चा को लेकर वे आशान्वित हैं। फिलहाल इस सत्र का एजेंडा साफ नहीं है, लेकिन चर्चा तेज है। इसके अलावा इस सत्र की जानकारी अभी ही क्यों दी गई जब विपक्ष की मीटिंग हो रही है। सूत्रों का कहना है कि संसद के 5 दिवसीय सत्र में अमृतकाल से जुड़े कुछ प्रस्ताव पारित हो सकते हैं। 5 ही दिनों का सत्र है जिसमें ज्यादा विधेयक पारित होने की संभावना नहीं है, फिर भी माना जा रहा है कि समान नागरिक संहिता समेत तमाम मसलों की चर्चा हो सकती है। कुछ ऐसे मुद्दे भी सामने आ सकते हैं जिन्हें लेकर विपक्षी दलों में गहरे मतभेद हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि G20 देशों की मीटिंग समाप्त होने के बाद सत्र के एजेंडे पर मुहर लगेगी। इस सत्र में कुछ अहम मुद्दों और कुछ विधेयकों पर भी चर्चा हो सकती है। संसद सत्र बुलाने का फैसला संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति लेती है और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की जाती है। इससे पहले राज्यसभा का विशेष सत्र फरवरी 1977 में बुलाया गया था, जब तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जाना था। वहीं यूपीए के शासनकाल में लोकसभा का विशेष सत्र जुलाई 2008 में बुलाया गया था। तब लेफ्ट पार्टियों ने मनमोहन सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।